शिक्षा, स्वावलंबन, नशा मुक्त और पूरे गांव के सहयोग से हमारा गांव आगे बढ़ रहा है। अपनी जन्मभूमि गांवों को, अपनी जन्मभूमि गांवों को तीर्थ धाम बनाना है। धरती माता के चरणों में नित नित शीश झुकाना है, नित नित शीश झुकाना। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। ऐसा ही एक अनुसंधान हुआ है दतिया के दूरस्थ गांव भरसुला में, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रेरित होकर एक आदर्श ग्राम के पहल की शुरुआत हुई है। 1993 में शाखा लगी थी हमारे यहाँ। उस शाखा के माध्यम से 7-8 गांव में हमारा काम हुआ संघ का। फिर उसके बाद में ग्राम समिति का निर्माण हुआ। समिति द्वारा गांव में 1 किलोमीटर लगभग आने वाली रास्ता जो थी वो कच्ची रास्ता थी। सबसे पहले समिति ने पूरे गांव के ट्रैक्टर ट्राली लगा के दूसरे गांव से मरम भर के रोड बनाया। कभी इस गांव में मूलभूत सुविधाएं भी अनुपस्थित थीं। पीने के पानी और सड़क जैसी चीजें भी दूर का सपना थीं। ग्राम विकास समिति ने गांव की तस्वीर बदलने का फैसला लिया और उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा अभियान जो आज तक निरंतर चला आ रहा है। ग्राम भरसुला में मैंने 30 साल पहले, पानी की परेशानी तो बहुत थी और पहले से ही कुआं में माने 60 हाथ माने 60 जोड़ हैं, 90 फुट पे पानी है। तो उसके उस हिसाब से हम सब गांव माने जुड़ कर के और विचार बनाओ के भैया जा पे एक टंकी बना लो और टंकी में जो है ये मशीन लगा लेंगे और बामे माने 2000 लीटर 20000 लीटर पानी बनते। इतनी हमने टंकी बनाई RCC की, तो हमने शासन से कोई मदद नहीं ली, अपने गांव से ही पैसे खटोरे करके और RCC की टंकी बना ली, जिसमें 20000 लीटर पानी बनता है और उससे ही सब गांव आज तक जो है पानी पी रहे है। गांव के लोगों ने इसी तरह बिना किसी पर निर्भर हुए सड़क बनाने का निश्चय किया। गांव में एक समय तक भेद था, अलग जातियों के लोग अलग समूहों में रहते थे। ग्राम विकास समिति के प्रयासों से इस जातिगत भेदभाव को मिटाकर सामाजिक समरसता के अनूठे पहल की शुरुआत हुई। हमारे यहाँ सन 1960 से राम सभा होती आ रही है राम जानकी के मंदिर पर। वह हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर पर सुंदरकांड होता है। वह गांव के सभी युवा पीढ़ी एवं वृद्ध अच्छे संस्कारवान हैं। आज इस मंदिर में सभी समुदाय और जातियों के लोग साथ आकर बैठते हैं। यहां आयोजित राम कथा सबको एक सूत्र में बांधती है। राम सभा में ढोलक बाजे द्वारा राम सभा में रामायण की चौपाई बोली जाती हैं, अर्थ किया जाता है उनका। गांव के युवाओं को शिक्षा और संस्कार देकर उनके भविष्य की राह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस गांव में शिशु मंदिर की शुरुआत हुई। 1999 में यहां पर एक छोटा सा सामुदायिक भवन में विद्यालय का संचालन प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे 20-30 हर वर्ष छात्रों की संख्या बढ़ती रही। गांव के ही समिति के सदस्य हमारे माननीय घनसुंदर दादाजी ने अपने परिवार सहित लगभग 11 बिस्वा भूमि विद्यालय के लिए दान में दी। पिछले कुछ सालों में ग्राम विकास समिति के प्रयासों से इस गांव में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। समाज के हर वर्ग की जिंदगी पहले से बेहतर बनी है।
गांव के युवाओं ने यह विचार किया कि गांव को नशा मुक्त भी होना चाहिए। इसलिए गांव के 350 परिवार के सभी सदस्यों में से एक एक हर परिवार का एक सदस्य और उसमें भी युवा आगे आए और नशा मुक्त गांव को बनाने के लिए बीड़ा उठाया। ग्राम विकास समिति ने यह निर्णय लिया कि हमारे गांव में प्रत्येक घर में जैविक खेती होनी चाहिए, तो आज इसका परिणाम हमको दिख रहा है। प्रत्येक घर कम से कम 1-2 बीघा जैविक खेती कर रहा है। आज वर्तमान में हमारे गांव की स्थिति ये है, जैसे मैं स्वयं मैं करता हूँ तो मेरी लोग सुनते भी हैं। मैंने गन्ना किया, कुछ धान भी करता हूँ और गेहूँ भी करता हूँ घर के खाने लायक, तो सब्जी करता हूँ। जैसे पेड़ पौधे ये बगीचा लगा ये सारा, मतलब किसी प्रकार की दवा नहीं है इसमें। तो जैविक खाद से प्रियो ध्यान में आया कि पेरे पूरे खेत में केंचुआ पैदा हो गए, तो खेती में वृद्धि हो रही है और इससे खाने का स्वाद भी अलग दिखता है। कृषि के आधुनिक तकनीकों ने गांव के किसानों की पैदावार तो बढ़ाई, लेकिन अब उन्हें नए अवसरों की तलाश थी। नए अवसरों की इसी तलाश में सामने आई स्वावलंबन की राह, एक ऐसी राह जिसने भरसुला की किस्मत में 4 और सितारे लगा दिए। ये मेरे पीछे जो बैनर देख रहे हैं, तो इस कंपनी को, पयोधी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी को, हम लोगों ने ग्राम विकास समिति के माध्यम से, ग्राम विकास समिति की हमारी मीटिंगें होती थी, तो एक विषय आया हमारे बीच में, खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाना, इससे खेती से बेरोजगारों को रोजगार से कैसे जोड़ना, तो ये विषय हमारे बीच में आया। तो हम सब ने ग्राम समिति के लोगों ने मिलकर विचार किया। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी 2020 में 10,000 FPO बनाने की। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना FPO बना के, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी बना के अपना व्यवसाय शुरू किया जाए और किसान खेती किसानी को लाभ के धंधे के रूप में अपन विकास करें। तो गुड़ को हमने उसका वैल्यू एडिशन किया, 5 किलो के ढेले से ला के हमने 50 ग्राम और 100 ग्राम और 20 ग्राम तक लाए, और शुगर के उसमें भी लाए और लिक्विड फॉर्म में भी गुड़ को बनाया। उसका वैल्यू एडिशन करके जैसे हमने जीरे, हींग, अदरक, सौंठ, ऐसा जो है मेडिसिन वाला गुड़ भी बनाया। उसकी कीमत जाके जहाँ 2530 रुपये किलो बिकता था, उसकी 120 रुपये किलो कीमत हमें प्राप्त हुई। भोपाल खादी ग्राम उद्योग के मेले में हमारा स्टॉल लगा, उसमें भी वहाँ के कलेक्टर साहब ने गुड़ की बहुत सराहना की और CM साहब भी हमारे गुड़ को जो है ले गए, बहुत सराहना की। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। स्वावलंबन के साथ साथ भरसुला को संस्कार भी मिले थे। इन्हीं संस्कारों का परिणाम था कि भरसुला ने अपनी तस्वीर बदलने के बाद स्वयं को सेवा कार्यों में भी समर्पित कर दिया। कोरोना का दौर हो या बगल के गांव में आई आपदा, भरसुला के लोग हमेशा अगली पंक्ति में खड़े रहे। ग्राम विकास समिति भरसुला सेवा कार को सभी विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के काम करती है, और जैसे कि कोरोना के समय में जो पीड़ित लोग थे, जो पलायन कर रहे थे भूख प्यास के मारे, तो ग्राम विकास समिति को पता चला कि ऐसा भी हो रहा है, हमारे क्षेत्र से कुछ लोग भूखे प्यासे यहाँ से निकल रहे हैं, तो उनकी क्या मदद की जाए। और हमने सभी ने कुछ पैसे इकट्ठे करके बिस्किट के पैकेटों की व्यवस्था की और दूध, बिस्किट और रोटी, सब्जी, अचार सभी को लेकर के वहाँ पे जाते थे। तो 20 गांव से सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी मोटरसाइकिलों से जाके घर घर सभी महिलाओं से रोटी के पैकेट लेके आए और सभी को वितरण की वहाँ पे।
2022 में अगस्त के महीने में बाढ़ आई तो उसमें हमारे पास के दो गांव हैं सुनारी और पाली, ये पानी से डूब गए थे। तो लोग वहां से गांव से निकल करके अपने बच्चे और बुज़ुर्ग सभी महिला वगैरह सब रोड पर आ गए, तो उनके लिए रहने खाने की कपड़े की व्यवस्था सब अस्त व्यस्त हो गई थी। तो उस समय हमने ग्राम विकास समिति ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, उनके लिए राशन पानी की व्यवस्था भी की, और कपड़े जिन लोगों पे कपड़े नहीं थे जूते नहीं थे तो उनके लिए कपड़ा जूता की व्यवस्था भी की। आसपास के 100 गांव में जब जब किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो ग्राम विकास समिति बरसूला के सदस्य वहां पर मदद के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। ऐसा गांव बनाना है, धरती माता के चरणों में नित नित शीश झुकाना।